देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या सच में हम कुछ देते हैं? हाय गाइस, वेलकम टू मॉम्स रियल लाइफ जर्नी। दिस इज नीता कुमार। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ए वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट रिपब्लिक डे रेजोल्यूशन। क्या सच में हम अपने देश के लिए कुछ करते हैं या हमें कुछ अपने देश के लिए करना चाहिए? इसके लिए मैं सिर्फ आपको दो ही पॉइंट आज फिर से याद कराऊंगी जो हमारे देश में हाल ही फिलहाल में चल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट रेजोल्यूशन है स्वच्छ भारत अभियान। आपको इसमें बस इतना सही करना है, जैसे आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, साफ रखते हैं, वैसे ही आपको अपने देश को भी साफ रखना है। आपने देखा होगा कि लोग चलती हुई गाड़ियों से खाना खा के बाहर फेंक देते हैं, रैपर्स बाहर फेंक देते हैं। प्लस में आपने सड़कों के आसपास भी देखा है कूड़े के कितने ढेर लगे होते हैं। लोग अपने घर का कूड़ा निकाल के रस्ते में या किसी नाले के पास या सड़क के पास फेंक देते हैं। तो प्लीज, ये सब बैड हैबिट है, इसको आप छोड़िए। आप इस अभियान का हिस्सा बनिए। जैसे आप अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही आप अपने देश को साफ रखिए, और साथ के साथ अपने घर में प्लांट्स लगाइए, बिकॉज आपको पता है दिल्ली में कितना प्रदूषण है। तो प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, सेव द एनवायरमेंट। और सेकंड रेजोल्यूशन है, हम फिट तो इंडिया फिट। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, स्पेशली मॉम्स, आपसे रिक्वेस्ट है, डू वर्कआउट नाउ। जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप जिम ही ज्वाइन करें, आप 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए जिसमें आप अच्छे से व्यायाम कर सकें। क्योंकि एक्सरसाइज से ना केवल आप अच्छा फील करेंगी, बल्कि उस काम को और भी बेहतर ढंग से कर पाएंगी। और आप सबको पता है, आप अपने घर का एक मजबूत पिलर है। अगर आप मजबूत नहीं होंगी तो आपका घर कैसे मजबूत होगा? और घर अगर मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश कैसे मजबूत होगा? तो प्लीज, वर्कआउट नाउ। हो भी छोटा सा मैसेज जिसको मैंने रेजोल्यूशन का नाम दिया है, आपको पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपको 26 जनवरी की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। इस फ्रीडम को फील कीजिए, इस आजादी को दिलाने के लिए कितने वीरों ने अपना बलिदान दिया है। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपके घर और अपने देश का नाम बदनाम हो। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।